कहानी के इस अंतिम भाग में आपका स्वागत है। ना चाहते हुए भी नीलावंती ने वह ग्रंथ नर पिशाच को दे तो दिया, लेकिन साथ ही यह श्राप भी दिया कि जो भी इस किताब को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा और जो पूरा पढ़ेगा वह मारा जाएगा। यह बोलकर नीलावंती यक्ष लोक की तरफ बढ़ गई। जब नर पिशाच ने उस किताब को पढ़ना चालू किया तो धीरे धीरे वह पागल होने लगा और बाद में शिकारियों ने उसे जंगल में मार दिया। पिशाच को मारने के बाद वह किताब शिकारियों को मिली। बाद में एक पुजारी ने इस किताब की विद्या को पत्तों से पढ़कर एक किताब में लिखा और इस तरह यह खतरनाक किताब जिसे नीलावंती ग्रंथ कहते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक आगे बढ़ने लगी। इस ग्रंथ को पढ़ने से कई लोगों की मौत हुई और कई लोग पागल हो गए, जिसके बाद इस ग्रंथ को बैन कर दिया गया। कहते हैं स्वामी विवेकानंद भी इस नीलावंती ग्रंथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।